गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस स्वागत है आप लोग का मेरी चैनल में। सो गाइस इलेक्शन के बाद पहली बार संसद में यूनियन बजट पेश किया गया है। आप फिलहाल तो देख रहे हो वीडियो पीसी ज्वेलर्स पे, कल के दिन 5% की तेजी देखने को मिली थी, तो रीजन बता रही हूँ एक्चुअल में क्या हुआ है। गाइस इसमें कई सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं। बजट में आपको पता है 23 जुलाई को बजट पेश हुआ था, एंड बजट के बाद कई कंपनियों के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बजट में सरकार की ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाने के कारण इस ज्वेलरी कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। गाइस मैं बता दूं पिछले 5 दिन क्या था, मतलब 22% तक ये स्टॉक चढ़ चुका है। आप अगर बात करोगे ना एक महीने की, तो एक महीने में तो गाइस 70% का रिटर्न, मतलब इतना शानदार रिटर्न, जोरदार तेजी देखने को मिली है। गाइस वहीं अब सरकार की कस्टम ड्यूटी कम करने के कारण कंपनी के शेयरों में लगातार बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। जोरदार तेजी के साथ साथ कंपनी के शेयर 100 रुपए पार जाने के लिए भी तैयार हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो कल के दिन जो तेजी थी, इतनी तगड़ी तेजी देखने को मिली, मतलब आप देखो 5% तक के अपर सर्किट लग गया। गाइस सबसे बड़ी बात तो पीसी ज्वेलर्स की कंपनी भारत कई सारे, मतलब भारत के कई सारे शहरों में मौजूद ज्वेलरी मार्केट चैन कंपनी है। कंपनी के पास एक मजबूत ग्राहक पोर्टफोलियो है। इस समय कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो मात्र 3,990 करोड़ का देखने को मिलता है। बीते एक साल में कंपनी ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 23 जुलाई बजट के दिन कंपनी का शेयर 72 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड बजट में सरकार ने ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की है, जो कि पहले 15% थी। इसी कारण कंपनी के शेयरों में लगातार जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 25 जुलाई लगातार तीसरे दिन कंपनी का शेयर 5% की तेजी के साथ 85 रुपए 81 पैसे पे बंद हुआ, एंड उसके बाद फिर से गाइस इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर आप देखोगे ना पिछले 5 दिन के अंदर, तो 25 तारीख को देखो आप ये कहाँ गया, 81 रुपए 73 पैसे देखने को मिल रहा है। फिर कल के दिन अगर देखोगे 26 तारीख को 85 रुपए 81 पैसे पे ही देखने को मिला, मतलब 26 जुलाई को आप कह सकते हो। गाइस एस एस वेल्थ स्ट्रीट के संस्थापक सुगंधा सचदेवा का कहना है कि सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में 15% से 6% किया गया है। ये ज्वेलरी क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे बहुत सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देना है और कीमती धातु क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। जिन लोगों की पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर हैं और उन्हें चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक समूति, आप कह लीजिए जो बकारिया, ने सलाह दी है कि ये एक ब्रोकिंग फर्म है, उसमें से कह सकते हैं इन्होंने एक सलाह दी है कि 70 रुपए का स्टॉप लॉस और 100 रुपए का टारगेट, मतलब आप ये कह सकते हो जैसे एनालिस्ट बताते हैं ना, ऐसे इसमें से ये ब्रोकरेज फर्म है जिसने इस बारे में बताया कि 100 रुपए पार जा सकता है और 70 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। इन्वेस्टर को कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ये बात आप लोगों को पता ही है, तो मैं आप लोगों को इस बारे में बता देती हूँ फंडामेंटल्स के कैसे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में नजर होना बहुत ज्यादा है। कह सके कंपनी के शेयर ऑफ के पास हो जाएंगे, लेकिन इस कंपनी की फंडामेंटल काफी, अगर देखोगे ना, कमजोर देखने को मिलता है, क्योंकि इसका स्टॉक भी नहीं दिख रहा, इंडस्ट्री भी दिख रहा है और ROE माइनस में देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर की होल्डिंग तो एजिटीज बनी हुई है। NFI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। DI की होल्डिंग एजिटीज देखने को मिलती है। पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी ट्रिम हुई है, ठीक है। अगर वही इसके बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में इसके पास रिजर्व 2400 के है, तो इसके पास बोरिंग बहुत ज्यादा है, 4150 करोड़ का है। और अगर आप देखोगे ना तो उसमें इसके शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा, मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी पे कर देगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो धीरे 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 करके इस बार जो मार्च में इसका सेल्स हुई वो बहुत कम हुई है, एंड कंपनी पिछले 3 साल से लॉस में ही जा रही है। गाइस ये ना जो थोड़ी सी छोटी कंपनी होती है ना, इनमें ये चीजें देखने को जरूर मिलती हैं। अब देखो धीरे धीरे अब इसका स्ट्रांग होगा, कह सकते हो बिजनेस सेल्स ग्रोथ भी आप देख लो यहाँ पर कम है क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी इसने लॉस ही दिखाया है। सो गाइस की रीजन कह सकते हो कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स का। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अगर आप बैक हो गए, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इसको दिखा देती हूँ उस शेयर को, क्योंकि देखिए चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैक्सिमम आप देखोगे ना तो 2012 में आई थी, यहाँ से अगर आप नोट करोगे तो इसने नियर अबाउट ये देखो कितना रिटर्न दिया है, 3-500 तक का, अभी कह लो 600 तक का रिटर्न दिया है। यहाँ से इसमें गिरावट है 87% तक की, ठीक है, और 5 साल में देखोगे तो 29% तक का ही रिटर्न देखने को मिलता है।
एक साल में देखोगे तो 171 का, 6 महीने में देखोगे तो 51% तक का, ठीक है, महीने में देखोगे तो 16, मतलब चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, ये देखिए और चार्ट पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फंडामेंटल थोड़े से वीक है, तो थोड़े फंडामेंटल को स्ट्रांग होने दो, देन उसके बाद आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो, बाकी डिपेंड कैसे आप लोगों को पे करता है, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करती हूँ, स्टडी पर्पज से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, आप भी स्टडी करके ही इसमें इन्वेस्ट करके चलें। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, और किसी भी स्टॉक्स पे आपको वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, उस पर डेफिनेटली मैं सर्च करके वीडियो लेकर आऊँगी। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो आगे की नोटिफिकेशन के लिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।